बिलासपुर के कंद्रौर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की जुबान फिसल गई। इस दौरान पहले तो यह कहा, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को पप्पू कहने पर रोक लगाई है। उसके उपरांत उन्होंने राहुल गांधी को पप्पू की संज्ञा देने का कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू पर दोषारोपण करते हुए कहा कि जब सिद्धू बाचमा में थे तो उसमें भाषण की शुरुआत पप्पू से ही करते थे, जिसके कारण वर्तमान समय में राहुल गांधी का नाम पप्पू रखने के कारण लोगों ने अपने बच्चों का नाम पप्पू रखना बंद कर दिया है। बिलासपुर के कंद्रौर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए फिसली जुबान। इस दौरान पहले तो ये कहा, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को पप्पू कहने पर रोक लगाई है। उसके उपरांत उन्होंने राहुल गांधी को पप्पू की संज्ञा देने का कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू पर दोषारोपण करते हुए कहा कि जब सिद्धू भाजपा में थे तो उसमें भाषण की शुरुआत पप्पू से ही करते थे, जिस कारण वर्तमान समय में राहुल गांधी का नाम पप्पू रखने के कारण लोगों ने अपने बच्चों का नाम पप्पू रखना बंद कर दिया है। अपने सिद्धू साहब, ये इनका सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन उनका है, वो शुरू ही यहीं से कर सकते थे, जो वो गाली बोलते उसके बाद अगर बोलते थे, और आज जाकर के बड़ा हाँ बोलते होने के उसी पार्टी में जाकर के बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने उनके साथ चुनाव प्रचार में बहुत जगह काम किया। जम्मू कश्मीर में एक हफ्ता में इकट्ठे थे चुनाव प्रचार में, एक ही हेलीकॉप्टर में जाते थे, शुरुआत ही यही करते थे। इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि राजनीति में बहुत बदल गई है परिस्थितियां, आजकल के इस दौर में आना खाना बहुत हो गया है, और इसलिए वीरभद्र सिंह जी ठीक बोलते हैं कि आया राम गया। उनके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि वो जिस बात को हमने मंडी में कहना होता वो मंडी में है, लेकिन अगर हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में अगर यहां पर हम देखें, एक विचित्र परिस्थिति है। जो बड़े बड़े नेता थे, जो अपने आप को मानते थे कि हमारा नाम सर्वे में सबके ऊपर है, हम बड़े नेता हैं, हम ही आने वाले समय में प्रदेश का भविष्य है, जब पार्टी ने उनको चुनाव लड़ने के लिए कहा तो कहां चले गए। बिलासपुर जिला में भाजपा के प्रत्याशी सांसद अनुराग ठाकुर के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चार जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के द्वारा आरंभ की गई जन कल्याणकारी योजनाओं व उपलब्धियों का वर्णन भी किया। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना का शुभारंभ देश के पीएम मोदी ने किया। उज्ज्वला योजना हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य होने के बावजूद शिमला होते हुए लोगों के घर द्वार तक गैस कनेक्शन के रूप में पहुंची है। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा चारों सीटों पर काबिज होगी, इसमें कोई शक नहीं है। देश की जनता पीएम मोदी को पुनः देश का प्रधानमंत्री देखना चाहती है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश की सुरक्षा को कमजोर किया है, आतंकवाद को रोकने की अपेक्षा बढ़ावा दिया है। देश नेता का समर्थन वो भी आज प्रस्ताव रहे हैं अपनी किस्मत को, क्योंकि वो उनके प्रति भी वफादार है। मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन जिस कल्चर में जिस भाषा में वो बात कहने की कोशिश करते हैं, वो भाषा कहीं भी स्वीकार नहीं। हिमाचल प्रदेश में हिमाचल देश भूमि है, उनको समझना चाहिए। यहां की संस्कृति के खिलाफ बोलोगे तो हिमाचल बर्दाश्त नहीं करता है। और जहां तक भाइयों बहनों यहां बिलासपुर सदर की बात है, मुझे इस बात की खुशी है कि आपकी बात सदर ने हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए अपना योगदान एक विधायक के रूप में हमारे नौजवान साथी को भेज करके दिया है। वसुंधरा संगठन के काम करने में लगे हुए, और उसके बाद आपके विधानसभा क्षेत्र में विकास के लिए हमेशा लड़ते रहे, जूझते रहे, ये भी कर दो, ये भी कर दो, ये रह गया, वो रह गया। और आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि कुछ काम हमने जो उन्होंने बताए थे वो किए, लेकिन जो नहीं हुए हैं काम रह गए अभी, उनका पूरा करने के लिए आप इस चुनाव के बाद जो है आप आइए। मैं उनको कहना चाहता